हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और अभी अभी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी आ रही है एसएससी की तरफ से। आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। नोटिस फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एसएससी सीएचएसएल 2020 ड्यू टू कोविड 19 की वजह से आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। ड्यू टू द सर्ज इन कोविड 19 केसेज अक्रॉस द कंट्री, कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू डिफर द कम्बाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 24 2020। यानी कि आपकी कल से आपका पेपर सीएचएसएल का पोस्टपोन हो गया है। जो फ्रेश डेट्स हैं वो आपकी बताई जाएंगी बाद में, अभी नहीं बताई जाएंगी, बताई गई हैं बाद में बताई जाएंगी। ये नोटिफिकेशन आपकी एसएससी की वेबसाइट पे अभी नहीं आया है, एसएससी की वेबसाइट पे अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो ये नोटिफिकेशन है आपको दिख जाएगा, एसएससी की वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। अगर आप एसएससी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप वेस्टर्न रीजन की वेबसाइट ओपन करते हैं, ये वेस्टर्न रीजन की वेबसाइट है ssiwr.net, अगर इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। तो एसएससी की वेबसाइट पर भी आज ही जाएगा जल्द ही, जब वेस्टर्न रीजन की वेबसाइट पर आ गया तो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी जो खबर है वो सिर्फ इतनी है। आपका जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि आपका सीएचएसएल का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है फर्दर नोटिस के लिए। ठीक है, कब होगा नहीं पता। ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे लोग ट्विटर पे हैशटैग भी चला रहे थे पोस्टपोन सीएचएसएल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेज मुझे आए जिनका पेपर देने के आने के बाद स्वास्थ्य नहीं ठीक है और उनमें से कुछ बच्चे पॉजिटिव भी हैं। तो इससे बेहतर है कि एग्ज़ाम हमारा डिले किया जाए, क्योंकि और जो बच्चे देने भी जा रहे थे वो बहुत डरे हुए थे। कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे वो एग्ज़ाम छोड़ रहे थे। कई सारे ऐसे बच्चे थे जो पॉजिटिव हैं, मतलब कोरोना पॉजिटिव हैं, 3-4 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और पेपर देने जाने की स्थिति में नहीं थे, तो उन बच्चों का एग्ज़ाम इसकी वजह से छूट जाता। तो इसलिए कोविड 19 की वजह से सीएचएसएल का एग्ज़ाम एसएससी ने डिले करने की निर्णय लिया है। इसके अलावा ये मेरे बैचेज हैं जो अन अकेडमी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 21 अप्रैल से एरर डिटेक्शन का बैच शुरू हो रहा है और कंप्लीट इंग्लिश का बैच 8 से 9:30 बजे तक चल रहा है। वन वर्ड और ईडीएम का बैच भी ऑलरेडी 3 बजे चल रहा है। अगर आप इन सारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो कि 6500 का है वो सिर्फ 5850 में आपको मिल सकता है। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। पढ़ाई को हमें ढील नहीं डालनी है। और पेपर आपका होगा, अभी नहीं है, थोड़े दिन बाद होगा, लेकिन ये एक अभी समय की डिमांड यही थी कि पेपर पोस्टपोन किया जाए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे जिनका पेपर पोस्टपोन हुआ है, लेकिन स्थिति काफ़ी गंभीर है और ऐसी गंभीर स्थिति में आवश्यक है कि इस तरीके के कदम उठाए जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे इन योर होम एंड कीप यूजिंग मास्क एंड कीप यूजिंग हैंड सैनिटाइजर। थैंक यू सो मच।